सब्सक्राइब करिए इस चैनल को हमारे नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, एक नई न्यूज निकल के सामने आ रही है कि क्राफ्ट ऑन इंडिया की तरफ से यूट्यूबर्स को मैसेजेस जा रहे हैं कि वो बैटल ग्राउंड इंडिया जो गेम है इसको वो पबजी ना बोले या फिर पबजी इंडिया ना बोले, वो उसको बैटल ग्राउंड इंडिया ही बोले। शायद उन्हें डर है कि पबजी नाम होने से लोगों को वही चाइना वाली बातें याद आएंगी कि चाइना का जो है गेम है ये, तो शायद इस वजह से ये चाहते हैं कि पबजी मोबाइल ना लिया जाए और इसको बैटल ग्राउंड इंडिया कहा जाए। और दूसरा ये है कि भारत सरकार से अभी भी अप्रूवल लेना है शायद उन्हें, तो उसके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है शायद फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उसी वजह से क्राफ्ट ऑन इंडिया ये चाहते हैं कि पबजी मोबाइल की तरह बैटल ग्राउंड इंडिया जो है वो ना बंद हो या फिर उसमें कोई रोक ना लगे। और कंटेंट क्रिएटर्स को जो मैसेजेस या फिर यूट्यूबर्स को जो मैसेज भेजने का जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ हमें IGN इंडिया की रिपोर्ट को देखकर पता चलता है। और क्राफ्ट ऑन इंडिया ये कह रहा है कि आप इसे पबजी मोबाइल या पबजी मोबाइल इंडिया ना बोलकर आप इसको बैटल ग्राउंड इंडिया कोरियन वर्जन इंडियन गेम भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि जो बैटल ग्राउंड इंडिया है वो भारत में विदिन एक दो महीने में लॉन्च होने के पूरे चांसेस हैं, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया भी था। और जो PUBGMobile.in वेबसाइट है वो बंद हो चुकी है और बैटल ग्राउंड इंडिया की नई वेबसाइट भी चालू हो चुकी है। तो जहां तक मुझे लग रहा है बैटल ग्राउंड इंडिया एक दो महीने में लॉन्च हो सकता है भारत में। और दोस्तों, ये डेडिकेटेड इंडियन वर्जन है, यानी कि सिर्फ भारत में ही खेला जाएगा। और आप भारत के खिलाड़ियों से, भारत के प्लेयर से जो गेम प्ले कर रहे हैं अपने फोन्स में या अपने सिस्टम्स में, उनके साथ आप इस गेम को खेल सकते हैं। और दोस्तों, जो नया बैटल ग्राउंड इंडिया गेम बनाया गया है वो डेडिकेटेडली इंडिया के लिए बनाया गया है, यानी कि अगर आप भारत में भारत के खिलाड़ियों से, भारत के गेम प्लेयर से, जहाँ तक मैंने न्यूज और डिटेल्स देखे हैं, ये इंडियन वर्जन होगा और ये इंडिया के अंदर खेला जाएगा, जिससे कि सिक्योरिटी वगैरह के इश्यूज जो है वो कम से कम हो। और ये बैटल ग्राउंड इंडिया जो है ये बिल्कुल नए तरीके से और कुछ डिफरेंसेस के साथ भारत में लॉन्च किया जा सकता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि पबजी मोबाइल को इंडिया में बैन कर दिया गया था और कई चाइनीज एप्स को भी इंडिया में बैन कर दिया गया था, शायद इसी वजह से ये गेम डेडिकेटेडली इंडिया के लिए और नए तरीके से इंडियन वर्जन बनाया गया है। और दोस्तों, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को हमारे नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए।